आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, मैं मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद है पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत एक मदरसा अब्दुल कलाम आजाद पतौना ग्राम स्थित में एक विद्यालय है, और यहाँ के अध्यापक श्याम सुंदर यादव जी हैं। इनका मानना और इनका कहना ये होता है कि मैं बच्चों को जितना शिक्षा बना पाऊँ वो मेरी अनुभूति है, और मेरा जहाँ तक कोशिश है कि बच्चों को शिक्षा बनाऊँ। और मैं आप लोगों को रूबरू उन्हीं से कराने जा रहा हूँ, और उन्हीं से पूछूंगा, उन्हीं से वही बताएंगे कि क्या प्लान है इन बच्चों को शिक्षित बनाने का। इनका क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर यादव जी भैया। सर क्या नाम है विद्यालय का? मदरसा अबुल कलाम आजाद पतौना रहता पवई फुलपुर आजमगढ़। आप विद्यालय के लेके कोई का प्रतीक है, चक्र कहता है पल पल चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, रात दिन चलते रहो। हरा रंग है, धरती की अंगड़ाई का है, हमको विकास करना, धरती को सजाना है फूलों से, खेत खलिहानों से, अनेक प्रकार के विकास करना जो हमारे हम लोग किसान भाई मिलकर कर रहे हैं। ये देखिए मेरे गांव के विद्यालय के अध्यापक हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ कि इनको जो सब आता है जब जनता देखते हैं, जनता के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा को देखकर इनका हर साल और बढ़ जाता है। और मैं फिर इनसे पुनः बात करना चाहूँगा कि बच्चों को क्या निर्देश देना चाहेंगे, और ना पढ़वाने वाले माता पिता को क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे जनता से निवेदन करता हूँ, यहाँ आई हुई भी रोका गया, पेमेंट रोका गया। आज के डेट में 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप क्या बताना? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बताना चाहते हैं कि तिरंगा आज का जो 15 अगस्त सबकी बार जो मनाया गया, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, बहुत आनंद। और मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त का क्या महत्व है, झंडे की तरफ मैं चलना चाहता हूँ। हाँ सर, ये बहुत कॉमन चीज, बहुत छोटी चीज होती है जो सबको नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे ये जानकारी देने को कहूँगा जनता को। छोटी निम्न चीजें अगर दे रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तिरंगा का क्या मतलब है, 3 रंगों का क्या प्रतीक होता है, इसको आप बताएं। ये 3 रंगों का मतलब केसरिया आपका जो है बल देने के लिए है। जब आप किसी युद्ध में जाते हैं, विकास हो, पढ़ाई लिखाई किसी क्षेत्र में, तो आपको शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो हमको इशारा करता है, ये लिखाई है, शिक्षा का स्तर गिरने की कोई संभावना नहीं है। हमारे नेताओं ने इतना बलिदान दिया, आज हमको मौका का अवसर है, विकास करना है, हमको मायूस नहीं होना है। बरसात आ रहा है, तूफान बह रहा है, उससे हमको लड़ना है। हमारे लोगों ने अपने बलिदान को दिया है, हम आधी तूफान से डरने वाले नहीं है। कितना भी बरसात हो रहा है लेकिन हमारी जनता हटने वाली नहीं है। ये जनता का सहयोग देकर मेरे अंदर ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है। सुबह से भोजन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को जब हंसते हुए देखता हूँ, खुशहाल देखता हूँ, अच्छा ज्ञान की बात होती है, मेरा आत्मा भर जाता है, वही मेरा भोजन है। मैं यहीं पे छोटे शब्द में बताना चाहूँगा कि कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आप मेरे साथ